मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में शुक्र देव से रिलेटेड कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, कौन सी नौकरी होती है, आज आपको मैं पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमें कौन से क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए या फिर हमें कौन से क्षेत्र में हमारा करियर सेट करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले। तो मैं उन्हें कमेंट्स के द्वारा यही जानकारी देती हूँ कि आप शुक्रदेव से रिलेटेड कार्य करें या फिर आप शनि ग्रह से रिलेटेड कार्य करें, यानी कि ग्रहों के अकॉर्डिंग यदि हम कार्य करेंगे तो हमारे सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। वह कमेंट्स के द्वारा पूरी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया गया है ताकि यदि मैं आपको जवाब देती हूं तो आप जान पाए कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से कार्य। पिछले वीडियो में मैंने गुरु ग्रह से रिलेटेड, बुध ग्रह से संबंधित सभी कार्यों के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपको शुक्र देव से रिलेटेड कौन कौन से व्यवसाय होते हैं पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। हम छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हम कौन से जन्म पत्रिका के अंतर्गत कैसे जानते हैं कि हमें किस क्षेत्र में व्यवसाय चूज करना पड़ता है। हमेशा हम दसवां घर होता है जो हमारा कर्म क्षेत्र का होता है, तो दसवें घर का जो राशि स्वामी होता है उसके अकॉर्डिंग यदि हम व्यवसाय चूज करेंगे, हमारा करियर सेट करेंगे तो हमारे सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह योग कारक है उसकी डिग्री अच्छी है, उसकी पोजिशन अच्छी यानी कि प्लेसमेंट अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग भी यदि आप व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे या फिर अपना करियर चूज करेंगे तो आपके सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम एक दूसरे की होड़ करके व्यापार शुरू कर लेते हैं कि उसका व्यापार अच्छा चल रहा है तो हम भी ऐसा व्यापार करें, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि दूसरे जातक को सक्सेस मिल रही है तो आपको भी उसी क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जन्म पत्रिका आपकी अलग हो सकती है, उस जातक की अलग हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपना करियर सेट करें, अपना व्यापार सेट करें, तो आप ज्योतिष की सलाह अवश्य लें कि आपको किस क्षेत्र में कौन से ग्रह के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। अलग अलग ग्रहों के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य होते हैं। यह सिंह लग्न की कुंडली है तो इसमें दसवें घर का स्वामी शुक्र ग्रह कहलाता है। यदि सिंह राशि का वह जातक है, शुक्र ग्रह उसकी कुंडली में योग कारक है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, उसकी डिग्री अच्छी है, तो वह जातक शुक्र ग्रह से रिलेटेड इतने कार्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनमें से यदि वह कोई सा भी चूज करेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंह लग्न की कुंडली वाले ही शुक्र ग्रह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। हो सकता है सिंह लग्न की आपकी कुंडली है लेकिन शुक्र उसमें मारक अवस्था में हो सकता है, अर्थात 6-8-12 में यदि उसका प्लेसमेंट हो गया, उसकी डिग्री कमजोर हो गई, तो फिर आप उससे रिलेटेड कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ज्योतिष की सलाह लेना आवश्यक है। अच्छा ज्योतिष ही आपको बता सकता है कि आपके कौन से ग्रह पॉजिटिव है और कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, उनकी डिग्री अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करियर चूज करना चाहिए। जब हम 10th क्लास पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके बाद ही हम अपना करियर सेट करने लग जाते हैं, तो हमें सक्सेस की बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान बनते हैं। इसलिए आप अपनी ज्योतिष की सलाह लेकर ही अपना करियर चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूं नौकरी अर्थात गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से फील्ड में आप चूज कर सकते हैं यदि आपकी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह है। तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला और सुंदर ग्रह माना गया है। दोस्तों, ज्योतिष में प्रेम और वासना का अधिपति इसे माना गया है। कुंडली में यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो जीवन बहुत ही सुखमय और प्रेम पूर्वक बन जाता है, लेकिन यदि यही अशुभ हो तो वह चरित्र दोष उत्पन्न करता है, पीड़ादायक होता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में यदि आप ट्राई करते हैं शुक्र ग्रह से रिलेटेड कार्य, तो आप एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई से भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात आप सब्जेक्ट चूज करें, उसी समय आप चूज कर लें कि हमें यदि नेवी में जाना है या एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, पायलट ट्रेनिंग होती है, एयर होस्टेस आप बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसमें आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर सेट कर सकते हैं, अर्थात आप डॉक्टर बन सकते हैं और दवाइयों के
विक्रेता भी आप बन सकते हैं, फार्मेसी की पढ़ाई भी कर सकते हैं, एम फार्मा डी फार्मा होते हैं उस तरीके से आप कोर्स भी करेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इनकम टैक्स में अपना करियर चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया नेवी में आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, नेवी के लिए कोर्सेस होते हैं अवेलेबल यदि आप 12th क्लास पास करके ही अपना करियर चूज कर लेते हैं, और अपनी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग यदि आप अपना करियर चूज करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यदि नेवी चूज करना चाहते हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक है कि नहीं है, उनकी डिग्री अच्छी है कि नहीं है, तभी आप अपना करियर चूज करें नेवी के अंतर्गत। आप उससे इंजीनियरिंग लाइन भी जा सकते हैं, नेवी में बहुत से कोर्सेस होते हैं तो उससे रिलेटेड आप जितने भी कोर्स होते हैं वह आप सब कुछ कर सकते हैं। ब्यूटी कल्चर में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, यानी कि ब्यूटी जितने भी साज सज्जा के सामान होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ब्यूटी कल्चर्स में भी गवर्नमेंट में भी वांट्स निकलती है उसमें भी आप अपना कोर्स कर सकते हैं। ब्यूटी कल्चर में 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें आप कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, पेंटिंग्स वगैरह में भी, इसमें भी आपके गवर्नमेंट जॉब में यदि कोई वांट्स निकलती है तो उसमें भी आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापार की। शुक्र ग्रह से रिलेटेड व्यापार हमेशा साज सज्जा खूबसूरती से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होता है वह आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आप पोइट्री कर सकते हैं, यानी कि पॉट वगैरह जो बनते हैं क्ले मिट्टी से भी बनते हैं उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कलात्मक आर्टिस्ट वर्क जितना भी होता है, यानी कि साज सज्जा से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है, घर के डेकोरेशन का काम कर सकते हैं आप, जितने भी साज सज्जा से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसमें यदि आप व्यापार करेंगे तो आपके साथ सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। सबसे बड़ी ऊंचाई होती है यदि आप अपने फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी क्षेत्र या फिर न्यूज क्षेत्र में आप अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो उसमें शुक्र का योग कारक होना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स होते हैं आते हैं कि हम सिंगिंग क्षेत्र में करियर सेट कर सकते हैं या फिर मैं हीरो बनना चाहता हूँ या फिर मॉडल बनना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब फिर मैं उनकी कुंडली विचार करके देखती हूँ तो क्योंकि मैं उनकी शुक्र की स्थिति कैसी है, यदि योग कारक है उनका प्लेसमेंट अच्छा है तो फिर मैं उनको हाँ में जवाब देती हूँ अन्यथा ना में जवाब देती हूँ। तो यदि आपको एक अच्छा मॉडल बनना है तो वह शुक्र से रिलेटेड कार्य कहलाएगा। तो आप मॉडल भी बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, नाटककार बन सकते हैं, नाटक लिखने का कार्य करने का कार्य, फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी जुड़े हुए कार्य होते हैं, टीवी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वह आप सब कर सकते हैं। दोस्तों फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, आर्ट कला से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह आप कर सकते हैं, सेटअप डिजाइन का कोर्स भी होता है वह भी आप कर सकते हैं, कपड़ा व्यापारी का काम कर सकते हैं आप, कपड़े में जो से भी व्यापार कपड़े से रिलेटेड जितना भी व्यापार होता है वह आप कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी कपड़ा बनवा करके भी दे सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप ड्रेस मटेरियल भी बेच सकते हैं, ड्रेस आप बनाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं, वाहन का कार्य आप कर सकते हैं, एनिमेशन का कार्य आप कर सकते हैं, एनिमेटेड का आजकल कोर्स होता है उसमें भी अच्छे स्कोप होते हैं, उससे भी रिलेटेड यदि आप कोई भी कोर्स करेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मिठाइयों से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप मिठाई बना भी सकते हैं, आप उसकी शॉप भी खोल सकते हैं, बीच में आप जो दलाली का कार्य होता है वह भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी आप कर सकते हैं, यानी कि खाद्यान्न विभाग से जुड़े हुए जितने कार्य होते हैं वह भी आप कर सकते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह आप कर सकते हैं। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जिसकी कुंडली में शुक्र यदि योग कारक है उनकी स्थिति अच्छी है तो वह जातक वैसे ही साज सज्जा का शौकीन होगा, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा, उसे परफ्यूम लगाने का शौक होगा और उसे सजने संवरने का बेहद शौक होगा। तो हमारी जन्म पत्रिका स्वयं ही हमारा नेचर ही इस तरीके से बना देती है कि हम उस क्षेत्र की ओर हमारा झुकाव अपने आप ही होना चालू शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप यदि मॉडल बनना चाहते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक होगा, तभी आपके अंतर मन से इच्छा होगी कि मैं मॉडल बनूं। आप वैसे भी बहुत खूबसूरत होगे, शुक्र ग्रह के योग कारक होने के कारण ही जातक अच्छा सुंदर होता है।
दोस्तों आप न्यूज से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, ज्वेलरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वे आप कर सकते हैं, यानी सराफा व्यापार जिससे हम कहते हैं डायमंड मर्चेंट बन सकते हैं आप, हीरो का कारोबार कर सकते हैं, ज्वेलरी की शॉप खोल सकते हैं, ज्वेलरी मेकिंग का कार्य कर सकते हैं, बीच में भी आप बेचना खरीदना जितने भी रिलेटेड कार्य हैं वे आप सब कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा भी शामिल हो गई है, तो उससे भी आप रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फोटोग्राफी का काम कर सकते हैं आप, अपना ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, टीचिंग का काम भी आप कर सकते हैं, आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छा अर्थात आप एक अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। विवाह से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे डेकोरेशन, विवाह का, केटरिंग का, जितने भी कार्य होते हैं सेटअप करने का, वह सब आप कार्य कर सकते हैं, अर्थात जैसे मैरिज ब्यूरो होगा, बीच में आप जो शादी ब्याह करवाते हैं उस तरीके के कार्य करते हैं वह भी आप कर सकते हैं, यानी कि शादी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे हम ले लें कि कार्ड छपाई का कार्य भी आप कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर यदि आपको खोलना चाहे तो, यदि जेंट्स पार्लर भी होते हैं आजकल, आप यदि जेंट्स है ब्यूटी सलून आपका खोलना चाहते हैं तो भी आप खोल सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र योग का रख रहा है, यदि आप लेडीज है तो भी आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, यानी कि अपने जो खूबसूरती को निखारने के लिए जितने भी कार्य होते हैं वह सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कोई से भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक आप अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं, यदि आप ज्योतिष बनना चाहते हैं आपकी कुंडली में शुक्र का योग कारक होना बहुत जरूरी है, उनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यदि बाय चांस हमारा उसके अंदर रुझान है, हम करना चाहते हैं, हमारा बहुत मन है लेकिन हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह की आपकी डिग्री कम है, तो फिर उनको रत्नों के माध्यम से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर मैं रत्न आपको रिकमेंड करती हूँ, शुक्र से रिलेटेड रत्न ओपल रत्न होता है, तो ओपल रत्न मैं आपको जब भी रिकमेंड करती हूँ तो वह किसी न किसी कारण से करती हूँ, क्योंकि शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन का भी कारक ग्रह होता है, यदि आपकी आप पुरुष है तो शुक्र यदि आपकी अस्त अवस्था में हो गया या डिग्री कम हो गई तो फिर आपकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, वैवाहिक सुखों से वंचित आप हो सकते हैं, आपको जननांग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारे ग्रहों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो मैं उनको रत्नों के माध्यम से आपको इम्प्रूव करने के लिए कहती हूँ या फिर मंत्रों के माध्यम से इम्प्रूव करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे ग्रह मारक हो जाते हैं तो उनका रत्न हम धारण नहीं कर सकते हैं, तो उस अवस्था में हम मंत्र के उच्चारण से भी ग्रहों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, हर चीज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन जानने के बाद उस सॉल्यूशन को आपको करना जरूरी है, आप करोगे तभी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, और यदि मैं आपको जवाब देती हूँ कि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करें, गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करें, तो आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं पूरी डिटेल्स, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा पूरी डिटेल देना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और यदि आप कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।